दिखने वाले हैं, आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। बाबा से इस बार हर बार ही यही मांगती हूँ कि मुझे खूब सारी शक्ति दे भगवान और सद्बुद्धि दे, ताकि मैं और आगे अच्छा काम कर सकूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं, और खूब सारी उपलब्धि दे भगवान, और साथ ही मेरे दर्शकगण जितना मुझे प्यार करते हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहे दिन पर दिन, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और एक कलाकार के लिए इससे ज़्यादा मायने और कुछ नहीं रखता है। सो यही मेरी चाहत है। अच्छा, एल्बम की अगर बात करें, बोल बम पे जैसे ही मौसम आता है, जैसे ही सावन आता है, बहुत सारे एल्बम आते हैं, अक्षरा का भी है उसमें, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन नहीं लगता कि हमारा कितने व्यूज होंगे, क्या होंगे, लोग कितना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं व्यूज़ मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है। मैं देखती हूँ हमेशा मारामारी रहती है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ बनाते रहते हैं, अरे यार सावन में आज वो इसको पीछे छोड़ दिया, वो उसको पी, अरे एंड ऑफ द डे सबका गाना बजना इम्पॉर्टेंट है, लोग कितना पसंद करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, व्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आजकल ये फंडा बना लिए हैं लोग सो कॉल्ड कि अरे यार 2 point something आ गया, ओ गॉड सच अ ह्यूज क्या बोले व्यूज, सो ये एक टंटा बना लिया लोगों ने, बट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए दर्शकों का प्यार मायने रखता है, गाना चलना मायने रखता है, लोगों तक मेरे गाने पहुंच रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। जी, अक्षरा फिल्मों की बात कर ले, कौन सी फिल्म है जो आपकी आने वाली है? फिल्में अभी राजा राजकुमार आने वाली है और मजनुआ, एंड उसके बाद लैला मजनू, जिसमें चिंटू जी हैं मेरे ऑपोजिट, एंड मजनुआ राजा राजकुमार में रितेश पांडे जी हैं, और साथ ही अभी एक और फिल्म करके आई दबंग दामाद, एंड इसके बाद मंजुल जी की फिल्म कर रही हूँ, जो कि 2 फिल्में हैं बैक टू बैक, सो धीरे धीरे सारी फिल्में आएंगी। अक्षरा, मौका तो नहीं है लेकिन एक सवाल मन में है कि हाल ही में आपने एक शो किया था, हाँ, जिसमें आपने स्टेज पर कहा था कि बहुत सारे इंडस्ट्री के आधे मर्द मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे इंडस्ट्री से हटाना चाहते हैं, अक्षरा क्या कहेंगी इस बारे में? लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, इसमें कहीं से कोई दोराय नहीं है कि बीइंग अ गर्ल आई एम फाइटिंग अलोन, और मैं इस इंडस्ट्री में अकेली सर्वाइव कर रही हूँ एक लड़की होने के बावजूद भी, नोबडी नॉट अ सिंगल वन इज देयर विथ मी, और चाहे वो हीरोज हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, फिल्में जो कर रही हूँ उसमें जो आर्टिस्ट हैं, टचवुड, उन लोगों को भी मना किया गया था बट वो लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए काम इम्पॉर्टेंट है। ये सच्चाई है कि लोग पीछे पड़े हुए हैं अब तक, जिसका कोई कारण मुझे समझ नहीं आता है। अब तो सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत या कोई लेना देना नहीं है। आई एम वर्किंग, और मैं एक अरसे से मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पे है, और मैं फुल्ली फोकस्ड हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आकांक्षा अवस्थी जी को कि उन्होंने शादी की, और इंडस्ट्री में काम करते हुए उन्होंने शादी की, विच इज़ वेरी गुड, एंड स्टिल मुझे ऐसा लगता है आगे भी काम करेंगी वो, तो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहें, खूब सारी खुशियाँ उनको मिले, और साथ ही उम्मीद करती हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में भी और शादी के बाद और ज़्यादा ग्रो करें, जो कि मेरे तरफ से बेस्ट विशेज है। मैम, दो सवाल और, एक तो ये कि जो भी हिंदी फिल्म की इंडस्ट्री की जितनी अभिनेत्री हैं सबने शादी कर ली है, फिल्मों में काम भी कर रही हैं, भोजपुरी काफी सारी अभिनेत्री ने शादी नहीं की है, मतलब क्या शादी के बाद थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है फिल्म प्रोडक्शन में? अक्षरा कब कर
अक्षरा तो शादी करेगी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, इतना बड़ा धक्का मेरे जीवन को लगा है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं दूर दूर तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ काम करना है जो कि कुछ समय से बहुत बहुत दिनों से ऐसा सुनती हूँ कि लोग लाइक लड़कियाँ मुझे इंस्पिरेशन के रूप में लेती हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, और मुझे ऐसा लगता है मेरे कंधे पे एक बोझ है और उस चीज़ को मुझे पूरा करना है और ऐसा प्रूव करना है कि एक लड़की भी आगे अपने दम पर बहुत बड़ा नाम बना सकती है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। अच्छा एक लास्ट सवाल, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं, जैसे फिल्मों में नहीं निकालना, ये इमोशनली मेंटली बहुत हर्ट होता है, सो खुद को कैसे कैसे संभाला आश्रय ने और आज फिर से खड़ी हो गई है? मैं प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।